नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव, स्वागत है आपका आयरन 24 में। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। चिट फंड कंपनियों में जमा निवेशकों की धनराशि वापस कराए जाने के सरकार के वादे के तहत सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व निवेशकों से आवेदन प्राप्त किया गया था एवं लोगों की जमा राशि वापस कराने हेतु उन चिट फंड कंपनियों के संपत्ति जब्त कर उनकी नीलामी से हासिल रकम के द्वारा निवेशकों जमा राशि उन्हें वापस कराए जाने की कार्यवाही सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई है, जिसके तहत आज कोरबा तहसील कार्यालय में साई प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड की ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक प्रॉपर्टी जिसे कोरबा कलेक्टर के द्वारा सरकार के आदेश के बाद सीज किया गया था, जिसकी नीलामी रखी गई थी। साई प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड की ट्रांसपोर्ट नगर स्थित उक्त भूमि एवं उस पर स्थित 3 मंजिला भवन की सरकारी वैल्यू 1,33,91,000 आकलन किया गया था एवं 1,98,00,000 में उक्त भूमि एवं भवन की नीलामी हुई। चिटफंड मामले से जुड़े अभिकर्ताओं एवं उपभोक्ताओं से जब इस मामले में बात की गई तो उन्होंने मीडिया को बताया कि यह बड़ी असमंजस की स्थिति है। साई प्रसाद प्रॉपर्टीज लिमिटेड से कोरबा जिले के निवेशकों के 93 करोड़ रुपए वसूले जाने हैं। 1,58,00,000 रुपए ऊंट के मुंह में जीरा मात्र है। बाकी की रकम की वसूली किस तरह से हो पाएगी, इसे लेकर सरकार की मंशा क्या है या उन्हें भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। अब तो 2 साल 1 साल के बाद चुनाव आने वाली है और 3 साल निकल गई, 3 साल में भी कोई पैसा अभी लोगों को नहीं मिला है। तो इस तरह से जो चीज़ है बहुत ही धीमी चाल चल रही है, इससे लोग जो है काफ़ी असंतुष्ट हैं और हम सब तो परेशान हैं ही, क्योंकि हम सभी अभिकर्ताओं के ऊपर इतना दबाव है जनता का कि पैसा हम कहां से लाके दें, किसको दें। अभी शादी ब्याह का सीज़न है, सारे हमारे जो कार्यकर्ता हैं या जो ग्राहक हैं उनके यहाँ बेटी बहन का शादी है और वो सारे हम लोग को दबाव बना रहे हैं और सरकार जो है इस बारे में बहुत ही धीमी गति से कार्रवाई हो रही है। इसको शासन प्रशासन या सरकार को आपके माध्यम से हम सूचित करना चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूर्ण करें और सारे हमारे लोगों का पैसा वापस करें। कितने लोग शामिल हुए थे और कितना में? आज चिट फंड कंपनी साई प्रसाद फूड्स लिमिटेड की जो कुर्कशुदा संपत्ति है उसकी नीलामी कार्यवाही तहसील कार्यालय में किया गया है। कुल 5 बोलीदाता थे, उसमें से जय कुमार सोनी के द्वारा अधिकतम 1,58,00,000 की बोली लगाई गई है।